दोनों ही कुर्ता मेरे हैंडमेड है, इसको मैं रख रही हूँ, मे भी उधर से पहन के मैं रिटर्न आऊँ और इसको मैं पहन के जाऊँगी। तो ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में, मे भी मैंने थर्ड आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में मैंने शेयर किया है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे मैं क्या बना रही हूँ। मैं 10th डेज तक या फिर 9th डेज तक पहुँच गई हूँ 40 डेज चैलेंज में, तो बस इसको रखना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अब सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। सो आज मुझे जाना है मायके किसी काम से, तो वो काम क्या है मैं आपको बाद में रिवील करूँगी, लेकिन आज जाना है। तो खुशबू आई हुई है, वो बैठी हुई है, तो रात को हम लोग जाएंगे क्योंकि आजकल ना ट्रेन में इतनी भीड़ हो रही है, ऐसा लग रहा है ना पूरा इंडिया अभी शादी कर रहा है। तो रात को एक ट्रेन रहती है वो थोड़ी मतलब उतना रश नहीं रहता उसमें, तो बच्चे और हम आराम से चले जाएंगे। तो अभी जल्दी जल्दी घर के काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होऊंगी शादी में जाने के लिए, नहीं मायके में जाने के लिए। अभी दिमाग में ना सिर्फ शादी शादी घूम रही है। सो हम लोग पहुँच चुके हैं हावड़ा स्टेशन। रात को भी इतना ज़्यादा भीड़ था, ऐसा लग रहा था ना यार बाहर निकलो ना, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कितने लोग हैं, रोज़ कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जो घर पे रहते हैं उनके सुबह से रात घर पे ही हो जाती है। ये हावड़ा स्टेशन के अंदर की फुटेज है, रात क्योंकि काफ़ी हो गई थी तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ कोई भी हॉकर्स नहीं है। तो हम लोगों ने ट्रेन ले लिया है, इतने रात को भी ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ है, बट लकीली हम लोगों को जो है सीट मिल गया था और आराम से हम मज़े से घर गए। फाइनली मैं पहुंच गई हूं अपने मायके, एंड आके यहां पे प्लानिंग प्लॉटिंग सब होने वाली है, एंड मैं आपको दो दो गुड न्यूज़ दूंगी, लेकिन थोड़ी सी इंतज़ार करो, जल्दी जल्दी दोनों ही गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। और मेरा बेटा हमेशा परेशान रहता है पंखा खोलने के लिए, उसको कितना गर्मी लगता है भगवान जाने। परी, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? बेचारी दुखी है क्योंकि उसका भी इंडिपेंडेंस डे नहीं हुआ, एग्जाम ख़त्म नहीं हुआ, इसका तो हो गया है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं भी टायर्ड हो चुकी हूँ, अब खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद मैं रेस्ट करूंगी। सबसे ज्यादा ना मजे इन लोग के होते हैं, ये देखो, मतलब नानी घर आने का मतलब यही होता है। मॉम टू बी, पहली गुड न्यूज ये है कि मेरी जो बहन है शिल्पा, आई डोंट वांट टू शो माय फेस, दिखाई दे। तो ये पहली गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरी सिस्टर है वो प्रेग्नेंट है, तो इसको बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिएगा कि इसकी जो डिलीवरी हो बहुत ही अच्छे तरीके से एंड हेल्दी बेबी हो। 3 बेबियां जो हैं शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। जी नहीं, एक अभी, हाँ आप देख लो, मम्मी बनने वाली है मेरी जो बहन है, तो आप उसको बहुत सारे विशेस दीजिएगा। और इसको एक गुड न्यूज इसके लिए, जो समझदार है उनको पता चल गया होगा, लेकिन चलते हैं शॉपिंग के। आए हैं अभी ज्वेलरी शॉप, पायल लेना है, मीठा लेना है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है, बट भैया नहीं है तो हम वेट कर रहे हैं भैया का। ये मेरे घर के पास में एक लोकल शॉप है, यहाँ से हम बहुत दिनों से सोना चांदी लेते हैं, इनकी सोने चांदी की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। यहाँ भीड़ नहीं थी फिर भी हम लोग यहाँ पे जो सामान लेने आए थे 3 से 4 घंटे लग गए थे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला अपडेट आप लोगों को मिलते रहे, एंड क्या क्या लिया है वो भी आप लोगों के साथ में ज़रूर किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। सो आज है नेक्स्ट डे और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय। खुशबू ने मस्त किचन एकदम चमका दिया है, साफ कर दिया है। जा रही खुशबू के लहंगे की शॉपिंग करनी। यस, मैं आपको गुड न्यूज़ देने वाली हूँ कि पहला गुड न्यूज़ ये है कि खुशबू की जो है शादी फिक्स हो गई है, एंड उसका डेट भी फाइनल हो गया है, तो अभी आपको शादी के सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। दूसरा गुड न्यूज़ है वो है शिल्पा जो है इस प्रेगनेंट, यस शिल्पा प्रेगनेंट है, तो ये भी गुड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे गुड न्यूज़ मैंने आपको दिए, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस वीडियो को, इस ब्लॉग को भर भर के लाइक करो, एंड मैं कुछ फुटेजेस भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ खुशबू के जो भी इंगेजमेंट वगैरह हुई थी। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ फुटेजेस शेयर कर रही हूँ, ये उस दिन की फुटेज है जिस दिन खुशबू के ससुराल वाले उसको देखने के लिए आए थे। ये उनकी होने वाली सासू माँ है, हम लोगों को भी कोई आइडिया नहीं था कि आंटी पूरी तैयारी के साथ में आ रही है, क्योंकि सिर्फ उनके फादर उनको देख के गए थे, उनकी मम्मी नहीं आई थी देखने के लिए, बट वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। तो यहाँ पर उसका तिलक हो रहा है, एक छोटा सा दो परिवारों के बीच में जो रोका हुआ आप बोल सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि आप जानती हो कि मेरी मम्मी की तबीयत जो
एक लंबे टाइम से ख़राब रहती है। अगर आप मेरी पुरानी फैमिली मेम्बर हो तो आपको पता होगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ भी इसकी शादी हो रही है ये बहुत ज़्यादा खुश रहे, और ये सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, जनरली ये मेरा आशीर्वाद है कि क्योंकि ये घर में ना सबसे छोटी है और मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से ये घर में बहुत हद तक बहुत सारी जिम्मेदारियां इसको उठाने पड़ी। तो मैं चाहती हूँ कि सच में जहाँ इसकी शादी हो रही है इसको किसी चीज़ की कमी ना हो, ये बहुत ज़्यादा खुश रहे और खुशी इसके चेहरे से झलक रही है। तो आप लोग भी अपना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, और मैं अपने चैनल पर थोड़े बहुत ब्लॉग्स अपलोड करूँगी शादी के, लेकिन इसके अपकमिंग लाइफ में क्या होने वाला है इसके लिए इसके चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। इसके चैनल का लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप चेक कर सकते हो। इसकी अपकमिंग लाइफ में आपको बहुत बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि कैसे क्या हो रहा है, इसके ससुराल में नए जीवन की शुरुआत कैसे हो रही है। और यहाँ पे मेरी भाभी की जो बेटी है ना इसको हंसा रही है, इसलिए वो इसको इशारे कर रही थी। बस एक शिकायत है मुझे अपनी बहन से, लगता है मेरी बहन मेरे हैक्स नहीं देखा करती है। देखो पल्ले को लेकर कितनी ज़्यादा परेशान है, अगर हैक देख लेती बहन तो इतना ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है खुशबू की सासू माँ उसको कुछ गिफ्ट दे रही है, तो ये एक बस आशीर्वाद होता है। तो आप लोग भी इस चैनल को सपोर्ट करिए, इसके भी चैनल को सपोर्ट करिए, और आगे क्या हो रहा है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंचती रहे। लहंगा लेने जाऊंगी तो वो सारे सब कुछ भी आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी, थोड़ा ही शेयर करूंगी लेकिन ज़रूर से शेयर करूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे दुकान में ना यार फुटेजेस लेने अलाउ नहीं रहते हैं, शॉपिंग के बीच में आप उतना कुछ नहीं कर सकते हो। बट आप मेरी फैमिली का पार्ट हो तो कुछ ना कुछ तो पक्का मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। एंड शादी के ब्लॉग बिल्कुल धड़ाधड़ धड़ाधड़ आएंगे और फंक्शन स्टार्ट हो गया है। तो ब्लॉग मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखा है, तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर ब्लॉग आपको किसी भी रीज़न से अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। बाय बाय।